बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 8, वेव्स। व्हाट इज वेव? वेव किसे कहते हैं? द डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव। अभी इसी वक्त में डिस्टरबेंस क्रिएट करता हूँ मीडियम में तो आवाज़ प्रोड्यूस होता है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है, साउंड वेव प्रोड्यूस होता है। तो वेव का मतलब क्या है? द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम, एनी मीडियम इज नोन एज वेव। वेव मोशन किसे कहते हैं? जो मोशन करते हैं, प्रोपिगेशन करते हैं। तो अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड वेव मोशन। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होगा विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। इन दोनों पॉइंट के दरमियान मैटर मोशन नहीं करेगा, ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेव मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव मोशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? सो द नेचर ऑफ वेव मे बी डिफरेंट बट द मैकेनिज्म बाय विच इट ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज द सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ वेव ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो मैकेनिज्म है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है, ये सेम होगा। क्लियर होगी बात? ये क्या होगा? सेम होगा। हाँ, नेचर डिफरेंट हो सकता है। टाइप्स ऑफ वेव कितने हैं? नंबर वन, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स किसे कहते हैं? या इसको हम इलास्टिक वेव्स भी कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड प्रोपिगेटेड ओनली इन दोज मटेरियल मीडिया व्हिच पोजिस इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। मैकेनिकल वेव सिर्फ उस मीडियम में प्रोड्यूस होगा, प्रोपिगेट होगा, जिसमें इलास्टिसिटी और इनर्शिया मौजूद हो। ठीक है ना? पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू के लिए ये पॉइंट याद रखें कि मैकेनिकल वेव्स सिर्फ उस मीडियम में प्रोड्यूस होता है जहाँ पे इलास्टिसिटी और इनर्शिया हो। फॉर एग्जांपल, व्हाट डज इट मीन? क्यों इलास्टिसिटी और इनर्शिया ज़रूरी है? बिकॉज अगर इलास्टिसिटी नहीं हो, इनर्शिया नहीं हो, तो ये अपने पॉइंट पे दोबारा तो नहीं आ सकता। ठीक है? वाइब्रेशन तो नहीं हो सकता, ऑसिलेशन प्रोड्यूस नहीं होता। इस वजह से वाइब्रेशन पैदा करने के लिए इलास्टिसिटी और इनर्शिया बहुत ज़रूरी है। और जब वाइब्रेशन पैदा होगा तो क्या होगा? एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगा एक जगह से दूसरी जगह पे। क्लियर होगी बात? इस वेव्स को, इस वजह से हम क्या कहते हैं? इलास्टिक वेव कहते हैं। कौन से वेव को? मैकेनिकल वेव्स को। ठीक है? पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यू। ठीक है? दीज वेव्स या मैकेनिकल वेव्स आर आल्सो कॉल्ड इलास्टिक वेव। एग्जाम्पल्स क्या है? वाटर वेव्स है, साउंड वेव्स है, सिस्मिक वेव्स है। सिस्मिक वेव्स किसे कहते हैं? सिस्मिक वेव्स का मतलब जो अर्थक्विक वाले वेव्स होते हैं उसको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। वो भी मैकेनिकल वेव्स में आता है। सिस्मिक वेव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश 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 मैकेनिकल वेव्स। किस चीज़ का एग्जाम्पल है? मैकेनिकल वेव्स का एग्जाम्पल है। क्लियर होगी बात? नाउ सेकेंड नंबर पे क्या है? वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से पहले यहाँ पर देखें, ऑल दीज वेव्स हैव सर्टेन सेंट्रल फीचर। किसी में जो वेव, वाटर वेव्स है, साउंड वेव्स है या सिस्मिक वेव्स है। नंबर वन, दे आर गवर्न बाय न्यूटन्स लॉ। मतलब न्यूटन लॉस के अंडर ये काम करता है क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी और इनर्शिया मौजूद है, तो खामखा यहाँ पे न्यूटन लॉस होंगी। ठीक है? दे कैन एग्जिस्ट ओनली विद अ मटीरियल मीडियम सच इज वाटर, एयर, रॉक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है ना? सिर्फ मटेरियल मीडियम कैसे होंगे? वाटर होंगे, एयर होंगे, रॉक होंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा होंगे, तो उसमें ये मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है? नंबर टू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर द प्रोडक्शन एंड प्रोपिगेशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये रिक्वायर्ड नहीं है कि इसके लिए मटीरियल मीडियम. क्या रिक्वायर्ड नहीं है? मटीरियल मीडियम किस चीज़ के लिए? फॉर द प्रोडक्शन एंड प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल्स में विजिबल है, अल्ट्रा वायलेट है एंड रेडियोज वेव है. ठीक है ना, विजिबल रेज, अल्ट्रा वायलेट और रेडियोज. अच्छा, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और ये ऑडिबल, ये किस चीज़ में आते हैं? ये मैकेनिकल में आते हैं, क्योंकि जब सोनिक का वर्ड आ गया तो सोनिक का मतलब है साउंड. तो इंफ्रासोनिक बिलो ऑडिबल रेंज, अल्ट्रासोनिक ये अबव द ऑडिबल रेंज. और ऑडिबल तो ऑडिबल है जिसका फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है. ठीक है ना, तो इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स. और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो क्या है? विजिबल है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, रेडियोज है. ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. सो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एट सेम स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, सेम स्पीड ऑफ लाइट के साथ ये मोशन करता है इन ए वैक्यूम में. नाउ नंबर थर्ड, मेटल वेव्स. मेटल वेव्स क्या है? एसोसिएटेड विद मैटर. कैसे? मेटल वेव्स आर वेव्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड अदर फंडामेंटल पार्टिकल. देखो आपने पढ़ा है ना कि जो लाइट है इन द फॉर्म ऑफ मैटर भी है और इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन भी है. तो मतलब इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल अगर हम कंसिडर करें और इसके ज़रिए ये एनर्जी ट्रांसफर हो जाए एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इसको हम कहते हैं मैटर वेव्स कहते हैं. सो मैटर वेव्स आर वेव्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड इवन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज नोन एज मैटर वेव्स. और यहाँ पे हमें जो हमने लिखा है लिम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, ये क्या है? असल में डिब्रोगले वेवलेंथ है. क्या है? डिब्रोगले वेवलेंथ है. डिब्रोगले वेव लेंथ है. ठीक है, या एल इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी, क्योंकि मोमेंटम हमें पता है किस चीज के? एम वी. ठीक है ना, तो ये वेव है और वेव के टाइप्स है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ वेव्स. ठीक है, कि कैसे ये जनरेट होता है, मैकेनिकल वेव किस तरह जनरेट होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह जनरेट होता है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.